हमारे आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई हमारे ऑफिस में, यहाँ पर हमारे ऑफिस में एक मीटिंग ली गई। ये मीटिंग लेने का रीजन क्या था बोलो तो, आने वाले दिनों में जो 13 तारीख को नीट के एग्जाम्स हैं, वो नीट के एग्जाम्स में क्या है मालूम है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां कर रहे हैं और हम गलतियां ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट की जिंदगी के साथ उन्होंने जो है खेल रहे नो। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी क्या डिमांड्स है कि भाई पहले तो हमारा हम ये बारे में ये एग्जाम्स के बारे में पहले तो हम इनको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप एग्जाम मत करिए, ये COVID-19 की तरफ से जो स्टेट में आप कर रहे हैं एग्जाम्स, नीट के एग्जाम करें, हमारी डिमांड है आप ये मत करिए, इसको पोस्टपोन करिए। अब जैसा भी 5 महीने हो गया, 5 महीने से क्या आवाम बहुत परेशान है, माँ बाप परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, इनको मिनिमम अगर नीट का एग्जाम फेस करना है तो इन्हें मिनिमम से मिनिमम 2 महीने ट्रेनिंग लेना। बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेते जो इंडिया लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में नीट के एग्जाम से कंपलसरी ट्रेनिंग कंपलसरी होना स्टूडेंट को, उन कितना भी ब्रिलियंट रहें, कितना भी स्टूडेंट अच्छा रहें तो भी उसको ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है नीट के एग्जाम को, अगर उन फेस करना चाह रहा तो मेडिकल के वास्ते। तो उसके बावजूद भी आप कोसा भी ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खुले हैं ना कॉलेज में ट्रेनिंग हो गई, उसके बावजूद भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर चुकी है, वो आने वाले 13 तारीख को है। तो हम जनता दल की तरफ से ये डिमांड करना चाह रहे हैं हमारे CM साहब से और मोदी साहब से डिमांड करना चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में आप इसको कुछ भी करिए और 4-5 महीने पोस्टपोन करिए, वरना आपको अगर ये चीज नहीं करना चाह रहे आपको खाली जो हर महीना बच्चे मतलब ये एग्जाम की फीस जो 1800 रुपए ले रहे हर स्टूडेंट से ले रहे 1800 रुपए ले रहे ना 1800 रुपए बोलो तो पूरे इंडिया लेवल पे अगर इनका हिसाब करेंगे तो 270 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा ये है इनका स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। 270 करोड़ की सूरत देख रहे ना स्टूडेंट की सूरत नहीं देख रहे, और स्टूडेंट वो भी वो स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट बोलते जो लोगों की जिंदगी बचाते, जो मेडिकल के स्टूडेंट हर वार्ड में हर खेड़े में हर तालुका हर ग्राम में जाके यही मेडिकल स्टूडेंट आने वाले दिनों में जो हमारे देश के अंदर जो भी बीमार हैं जो इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये देश को हमारे इंडिया में क्या है ये मेडिकल स्टूडेंट का बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है इनका, छोटी चीज नहीं है मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल नीट का एग्जाम देके मेडिकल पास करके आने वाले दिनों में पब्लिक की सेवा करने वाले हैं ये हमारे इंडिया के अंदर, इसको मेडिकल के जो ये है स्टूडेंट है मेडिकल डॉक्टर्स है बहुत बड़ा इनका रोल है, मतलब हमारी जिंदगी में रोज की मरा जिंदगी में मेडिकल डॉक्टर की बहुत जरूरत है। तो हमारी डिमांड से आप 270 करोड़ रुपए का देख रहे मगर स्टूडेंट का नहीं देख रहे, वो भी नीट एग्जाम से, चलो भाई दूसरे एग्जाम से वो है नहीं नीट का एग्जाम है इनको कंपल्सरी ट्रेनिंग होना उसके बावजूद भी आप ले रहे। तो हमारी एक CM साहब से मोदी साहब क्या तो करेंगे, मोदी साहब को कोई भी नहीं बोलते, मोदी साहब खाली इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर ज्यादा देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी इंडिया के बाहर जो कंट्रीज फिर रहे हैं वहां पर फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, हमारे इंडिया में उतने फैसिलिटीज नहीं है जो स्टूडेंट को देने का है। तो हमारे एडवोकेट साहब से रिक्वेस्ट क्या है और मोदी साहब से बोले तो आप मेडिकेयर करिए बच्चों के वास्ते, जो मेडिकल COVID-19 के वास्ते जो क्या है मेडिक्लेम बनाइए आप बच्चों के वास्ते मेडिकल क्लेम बनाइए, वो क्लेम क्यों बोले तो COVID-19 के वास्ते ही दूसरे बीमारियों के वास्ते नहीं, 40 दिन का या 1 महीने का मेडिक्लेम बनाए तो, और उसको क्या है कोई भी कंपनी जो नॉर्मल क्या है मालूम है अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत 100-150 रुपए में 40 दिन का 1 महीने का मेडिक्लेम बनाते, वो बना के आने वाले दिनों में आप नीट का एग्जाम करिए। अगर आप करना चाह रहे हैं जिद लेना चाह रहे हैं आपको अमाउंट हमारे कर्नाटक स्टेट में 1 लाख चिल्लर जो बच्चे यहाँ पर फेस कर रहे हमारे कर्नाटक में जो है 1 लाख चिल्लर बच्चे जो है यहाँ पर एग्जाम दे रहे हमारे कर्नाटक में, और शुरू जो बच्चे दिए उन्होंने गुलबर्गा के जो बच्चे हैं अगर शुरू दिए तो गुलबर्गा में होता, अगर जैसे जैसा ये पढ़ते हैं कि 8-15-16 लाख बच्चे ऑलरेडी फीस भर दिए आर टिकट इनकी अपलोड हुई ऑनलाइन जो आज का हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जैसा ही ये पूरा जैसे दिना बढ़ते जाएंगे खरीब बच्चे अपलोड होंगे तो उनका क्या है मालूम हैदराबाद में सेंटर आ सकता बॉम्बे में आ सकता या इंडिया में कहीं भी आ सकता सेंटर, तो वहां के हालात कोरोना के कैसे हैं COVID-19 के हालात कैसे हैं। तो इसके बावजूद भी जो है ये लोग रिस्क उठा रहे, हम हमारी पार्टी की तरफ से हम इनको डिमांड करें GDA जनता दल सर्कुलर की तरफ से, और इसके बारे में हम कुमार राणा को भी बात कर चुके हैं और हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो हमारे कायद हैं उनसे भी इस बारे में मशवरा करें। तो आज हम बैठ के मीटिंग लिए हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपए मेडिक्लेम इनका बच्चों का हर स्टूडेंट का 10 लाख ये बनाना मेडिक्लेम बनाना, क्योंकि 10 लाख क्यों मनाना चाह रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज आप देख चुके हैं और सारे मीडिया के लोग मिल चुके हैं और पूरे जितने आवाम को इंडिया लेवल पर हर क्यों मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पूरा जीरो है, वहां पर जो भी पेशेंट आ रहा मर के ही आ रहा।
तो हम स्टूडेंट के वास्ते रिस्क नहीं उठा सकते। स्टूडेंट जो हमारे देश के जो हमारे ये हैं उनके वास्ते हम रिस्क नहीं उठा सकते, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भाई आप मेडिक्लेम करिए, करके जो है आने वाले दिनों में एग्जाम्स कंटेस्ट करिए, कराइए, वरना हम यहाँ पर गुलबर्गा में डीसी ऑफिस के पास बहुत बड़ा हम प्रोटेस्ट करेंगे, गुलबर्गा बंद करेंगे और बीजेपी का सीएम साहब का पुतला जलाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को कोई रिलेटेड नहीं। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टेट के बारे में तो सोचिए, उन्हें सेंटर के बाद सेंटर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें नहीं सोच रहे, तो कम से कम आप स्टेट के बारे में तो सोचिए, हमारे स्टेट में तो कम से कम ये लागू करिए, मेडिक्लेम करिए, बोल के हम डिमांड्स करें जनता दल सेक्युलर के तरफ से, यूथ के तरफ से। नम युवा जनता दल अध्यक्ष अली मीनामदार नम केंद्र सरकार राज्य सरकार नीट एग्जाम एला पोषक बैड अंदरू सहित नीट एग्जाम 13ने तारीख कंडक्ट मार मालाक और सुप्रीम कोर्टन आर्डर मैं तीर्मान तकड़ेली अद्र जतली हूड़ग्री 1800 कलेक्ट मतर 1800 कलेक्ट माद्रा ऐन वोटवी ಇಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ತನ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ 300 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವರು ನಮ್ದೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಜನತಾ ದಳದ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ COVID-19 ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 100-150 ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರ ಹುಡುಗರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಜನಾ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಹೊಡೆ ಸಲಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 21 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ 100-150 ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕ ಈಗ 1800 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಕತ್ತಾರ ಫೀಸ್ 19150 ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನತ್ರ ಲಾಟ್ನಾಗ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯೋಜನಾ ದಳದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ತೆಗೆದು